हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो एज़ यू ऑल नो कि हमने कैटल की थ्योरी जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ट्रेड्स एक्सप्लेन किए थे ठीक है जी पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी है इनकी आप सबको पता है और उसमें हमने ट्रेड्स एक्सप्लेन किए थे कि कितनी तरह के ट्रेड्स होते हैं जो कैटल ने दिए थे ठीक है जी तो अब हम करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट है एज़ यू नो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे आपको सारी इंट्रोडक्शन मिल जाएगी ठीक है जी तो अब हम जो मेन चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटल से रिलेटेड वो है कि कैटल जी ने दी थी दो जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी कैटल ने ठीक है जी उन्होंने दो तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी एक थी फ्लूइड एक थी क्रिस्टलाइज्ड दो तरह की उन्होंने बात की तो अब हम देखेंगे फ्लूइड क्या होता है और क्रिस्टलाइज्ड क्या होता है ठीक है जी तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है फ्लूड आप सबको पता है जैसे एक लिक्विड है कोई भी लिक्विड को आप नीचे फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे ही फ्लूइड यहाँ पे भी है एक तरह से अगर आप रिलेट करके देखिए ठीक है तो उन्होंने बोला कि फ्लूड क्या है एबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड थ्रिंक फ्लेक्सीबिली कि मतलब जो एक पर्सन है वो क्या करेगा उसकी एक एबिलिटी है कि वो रीजन आउट करेगा ये एक पर्सनैलिटी है किसी भी पर्सन की अगर आपको किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है समझ है तो आप क्या करेंगे आपकी एबिलिटी होगी उस चीज़ को रीजन आउट करने की ये क्यों है ठीक है ऐसा क्यों होना चाहिए इसके पीछे लॉजिक होगा एक ठीक है और थिंक कर सकोगे फ्लैक्सीबली मतलब फ्लैक्सीबली हर तरह से ठीक है और जो क्रिस्टलाइज होता है द नॉलेज ऑन द वर्बल एंड नुमारिकल स्किल्स ऑप्टेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस क्रिस्टलाइज होता है वो चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस से सीखी होती है अपने ठीक है जी आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो आपकी मतलब जैसे प्रीवियस नॉलेज है और वो करंट नॉलेज में काम आ रही है कहने का मतलब आपने वो चीज़ अपनी लर्न करके या एक्सपीरियंस से सीखी है वो आ जाती है क्रिस्टलाइज्ड में ठीक है जी और आगे डिफरेंस देखते हैं हम कि जो फ्लूड होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है डोलोसेंट स्टेज में ठीक है हमें सबको पता कि अडोलोसेंट स्टेज तक जाते जाते हैं नॉट ओनली अडोलोसेंट बट जैसे ही आपकी ओल्ड एज भी आती है आगे आके आपकी उम्र बढ़ती रहती है ना तो ये एबिलिटी टू रीज़न आउट ये सब चीज़ें क्या है कम होती जाती हैं टाइम के साथ साथ ठीक है बट जो क्रिस्टलाइज होता है उसमें जो फैक्ट्स होते हैं एंड द रूटेड एक्सपीरियंस जो आपका होता है वो एज के साथ साथ बढ़ता चला जाता है ठीक है ये तो आपको पता ही है ठीक है जी तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो अब हमें समझ नहीं आ रही बट जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में तो हमें वो चीज़ें समझ आने लगेंगी ठीक है जी तो वो क्या है जब आप एक्सपीरियंस करते हो किसी चीज़ को तो वो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लूड का एग्जाम्पल क्या है जैसे आपने लॉजिक लगाना है तो आप पजल सॉल्व करोगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप अप करोगे ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए और फिल्टर आउट करोगे आप इेलिवेंट इंफॉमेशन वो इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए आप उसको फ़िल्टर आउट कर दोगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जो चाहिए वो आप रख लोगे अपने पास बट जो क्रिस्टलाइज होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है इसके साथ साथ एग्जाम्पल जैसे वोकेबलरी हो गई आपके एग्जाम्स हो गए रीडिंग कॉम्प्रीहशन हो गई पहले आपको नहीं बोलने आते कुछ वर्ड्स धीरे धीरे आप सीखोगे आपको उस चीज़ की समझ आएगी एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे ठीक है वो जाती है क्रिस्टलाइज्ड फर्दर कंटिन्यू करते हैं फ्लूड और क्रिस्टलाइज को ठीक है जी अब देखो मैंने इसको डिफरेंस के तरह बताया है ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज पैसेज की तरह भी लिख सकते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंस ही देना है क्योंकि डिफरेंस तो पूछा नहीं जाता वो तो आपसे सिंपल पूछेंगे कि कैटल की थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में ठीक है जी तो फ्लूड जैसे हमें पता है नेचर की बात की है नेचर आप सबको पता होगा हेरिडिटी से रिलेटेड है ठीक है ये सब तो आपने बी में किया ही है जिसने सी टेट पी टेट के पेपर दिए उनके लिए तो ये सी डी बहुत ईजी होनी चाहिए ठीक है तो ये वर्ड्स उनके लिए मतलब रिलेटिव है एक तरह से उनको पता होता है नेचर क्या होता है हेरिडिटी जो आप पेरेंट्स से लेते हो और नर्चर क्या होता है जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो ठीक है जी तो आप सबको पता है नेचर क्या है ये चीज़ हम हेरिडिटी से सीखते हैं फ्लूएड वाली बट जो क्रिस्टलाइज है वो एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस आप कहाँ करते हो एन्वायरमेंट में बाहर सोसाइटी में जाकर तो ये क्या है नर्चर से रिलेटेड है ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू उसके बाद जो नेचर है वो आपकी कोगनेटिव कैपेसिटीज कितनी है जैसे कहते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चा भी कई बार कुछ ना कुछ गुण उसके बच्चों में जाते हैं पेरेंट्स के तो बस फ्लूड वही चीज़ है ठीक है इंडक्टिव रीजनिंग हो गया बट जो क्रिस्टलाइज है उसमें आप लर्न फैक्ट्स होते हैं वर्बल एंड जनरल नॉलेज होती है आपको उस चीज़ की जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं ठीक है ठीके? तो अभी हमने फ्लूइड में पढ़ा कि फ्लूड क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी है रीजन आउट करना एज के साथ साथ कम हो जाता है बट जो क्रिस्टलाइज है वो लॉन्ग टर्म है वो इन्वायरमेंट से आप एक्सपीरियंसेस सीखते रहते हैं ठीक है ठीके? फिर जो फ्लूड है डिक्रीज आफ्टर अडोलिसेंस और जो क्रिस्टलाइज है वो तो इंक्रीज होती रहती है ठीक है थ्रू आउट योर लाइफ फिर जो फ्लूड है वो लॉजिक एंड स्ट्रैटजीज पर बेस्ड है और जो आपका एक्सपीरियंस है कहने का मतलब क्रिस्टलाइज थ्यूरी है इंटेलिजेंस की वो डेप्थ नॉलेज एक्सपीरियंस करोगे किसी चीज़ का आपको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज मिलेगी उस चीज़ की ठीक है तो आपको दो तरह की इंटेलिजेंस तो कैटल की समझ आ गई होगी आई होप ठीक है अब इसके बाद हम करेंगे कि जो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैटल ने दिए हैं वो कौन से हैं ठीक है जी तो कैटल ने बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात की है तो इसको आप देखिए ऐसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं थोड़ा ओपन कर देते हैं आपके लिए ओशन ओ सी ई ए एन ठीक है जी ओ सी ई ए एन इसको लर्न करना बहुत इजी है एक तरह से ओशन शॉर्टकट तो ओ का मतलब क्या होता है ओपननेस ठीक है क्योंकि देखो सभी इंसान एक तरह के नहीं होते ठीक है हर एक ह्यूमन में कोई ना कोई पर्सनालिटी होती है तो वो बिग फाइव पर्सनालिटीज़ जिसके बारे में कैटल ने बात की है वो ये है ओशन ठीक है जी कि किस तरह का इंसान होता है तो इसको कंपेयर करके भी हम देखेंगे बट पहले हम समझते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है ओपननेस कि कौन कितना ज़्यादा ओपन है किसके साथ ठीक है जी कई होते हैं ना कि बहुत शाय फील करते हैं वो किसी के साथ ओपन नहीं होते ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं इसमें कॉन्शियसनेस उसके बाद एक्स्ट्रोवर्जन जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं एग्रेजिबल देन न्यूरोटिसिज्म जो न्यूराटिक्स होते हैं अब इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते हैं पहले ओपननेस पे आते हैं ठीक है पहले मैं आपको ओपननेस समझाती हूँ तो आप सबको पता है कई बार हम जाते हैं कहीं पे भी और कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शाही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही ओपन नहीं होता किसी को बुलाता ही नहीं है ठीक है ये ऐसा है ये वैसा है तो ओपननेस क्या होता है इमेजिनेशन एंड इनसाइट एक तरह से ठीक है ओपननेस बोलचाल में ओपननेस आपकी इमेजिनेशन में कि कितना ओपनली आप सोच सकते हो कितने क्रिएटिव आप हो सकते हो ये आपकी क्या है पर्सनैलिटी है ठीक है जी मतलब ओपननेस किस चीज़ से रिलेटेड है इमेजिनेशन एज वेल एज इनसाइट तो दो तरह के पर्सन होते हैं दो तरह की पर्सनैलिटी होती है एक होती है जो हाईली ओपन होते हैं एक होते हैं जो लो होते हैं तो ये कंपैरिजन हमने करना है इस ओशन में ठीक तो है तो ओपननेस जो हाईली ओपननेस होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ठीक है ओपनली मतलब सभी चीज़ों को देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं वो तो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं बट जो लो लो ओपननेस मतलब जो ज़्यादा ओपन नहीं होते बहुत शाए वाले होते हैं सिर्फ अपने आप में रहते हैं वो डिसलाइक करते हैं चेंजेस को मतलब वो चेंज करना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को वो कहते हैं जैसा है वैसा रहने दो तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है ठीक है फिर जो हाईली ओपन होते हैं वो ओपन टू ट्राई द न्यू थिंग्स वो कोई ना कोई न्यू चीज़ ट्राई करते हैं बट जो लो वाले होते हैं वो क्या डजेंट इन्जॉय द न्यू थिंग्स उनको पुरानी चीज़ें ही चाहिए जो जैसा है वैसे ही चलने दो तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है ठीक है जी ओशन का ओ समझ आ गया अब उसके बाद देखिए जी ये भी आगे कॉन्टिन्यू करते हैं हाई जो हाई ओपननेस वाले होंगे वो फोकस करेंगे ऑन टैकलिंग द न्यू चैलेंजेस ठीक है वो न्यू चैलेंजेस को टैकल करेंगे कोई भी मुसीबत उनके रास्ते में आएगी, वो फटाफट उसको सॉल्व आउट कर देंगे क्योंकि वो बहुत ओपन है क्रिएटिव है बट जो लो वाले होंगे रिजिस्ट न्यू आइडियाज उनको न्यू आइडिया से कोई मतलब ही नहीं है वो जितना भाग सकते हैं उतना भागेंगे कि हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है देन जो हाईली ओपन होंगे वो हैप्पी होंगे तो थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ठीक है जी मतलब जो हाईली ओपन होंगे बिल्कुल शायद फील नहीं करेंगे क्रिएटिव बच्चा होगा वो तो देखो एब्स्ट्रैक्ट कन्सेप्ट के बारे में सोचेगा ठीक है जो चीज़ नहीं भी प्रेजेंट उसके बारे में भी सोचेगा बट जो लो होते हैं वो क्या होंगे वो इमेजिनेटिव होंगे ही नहीं वो कुछ इमेजिन आउट करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको मतलब ही नहीं वो कहते जैसे चीज है वैसे ही रहने दो क्योंकि वो ज्यादा ओपन नहीं होते वो क्या लो ओपननेस वाले होते हैं आई होप ये ओश, ओशन का ओ समझ आ गया आपको ओपननेस का अब आते हैं नेक्स्ट सी पर ओशन का सी दैट इज कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस क्या होता है केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल तो आप सबको पता है आप सबकी कॉन्शियसनेस होती है कि आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से करो और अच्छे से करो ठीक है दैट्स आर कॉन्शियसनेस मतलब जो कॉन्शियसनेस वाले पर्सन होते हैं वो थाटफुलनेस होते हैं अच्छा उनका कंट्रोल होता है खुद भी माइंड पे खुद की सोच पर उनका कंट्रोल होता है और वो गोल डायरेक्टेड होते हैं उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है कॉन्शियस क्या होता है एक तरह से मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ जैसे कि आप मेरी अंतरात्मा है मैं चाहती हूँ कि मैं एक टीचर बनूँ तो वो मेरे कॉन्शियस है मैं गोल डायरेक्टेड हूँ मुझे सीधा पता है कि मैंने टीचर बनना है ठीक है मैं सिर्फ उसी दिशा की तरफ जाऊँगी मुझे पता है मुझे क्या करना है ठीक है जी और कैसे करना है तो वो चीज़ आ जाती है कॉन्शियसनेस में अभी देखिए एक होते हैं हाई कॉन्शियस वाले एक होते हैं लो कॉन्शियस वाले जो हाई होंगे हाई कॉन्शियस वाले होंगे वो तो स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग ठीक है मैंने टीचर बनना है मुझे पता है मुझे तैयारी करनी है कोई और तो आएगा नहीं मेरे लिए तो मैं अपना टाइम कहाँ स्पेंड करूँगी उस चीज़ को प्रिपेयर अप करने में बट जो लो कॉन्शियस वाले होंगे फेल टू कम्प्लीट नसेसरी और असाइंड टास्क कि मतलब वो फेल कर जाएंगे उस काम को करने के लिए वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर उनको का, कोई काम होगा भी तो भी फुल्ली कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो लो कॉन्शियस वाले हैं वो थाटफुल नहीं है इतने ज़्यादा बट जो हाई वाले हैं उनको पता है कि मुझे करना है ठीक है देन नेक्स्ट फिनिश इंपॉर्टेंट टास्क राइट अवे ठीक है जी जो हाई कॉन्शियस वाले होंगे उनको पता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे ही करना है ठीक है तो वो अपना टाइम मतलब जितना भी काम होगा फटाफट उसी टाइम कर लेंगे बट जो लो वाले होंगे वो क्या करेंगे प्रोवैक्सीनेट्स इंपॉर्टेंट टास्क मतलब उसको टालते रहेंगे कि कैसे ही कैसे उसको टाला जाए नेक्स्ट जो हाई वाले होंगे हाई कॉन्शियस वाले वो तो पे अटेंशन करेंगे टू डिटेल्स फट uh, मतलब सारी डिटेल्स की तरफ वो फुल्ली ध्यान से देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आ सकती है ठीक है बट जो लो कॉन्शियस वाले होंगे वो क्या करेंगे मैसेज करेंगे एंड डोंट टेक केयर ऑफ द थिंग्स उनको कोई मतलब ही नहीं है ठीक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो बस अपना मतलब खराब कर रहे हैं काम बिकॉज वो लो कॉन्शियस वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं है कहते हैं ना कोई हाईली मोटिवेटेड होता है कोई लो मोटिवेटेड होता है बस वही चीज़ है जो हाई वाले होते हैं वो तो हर चीज़ को अटेंशन देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी बट जो लो वाले होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है दे डोंट टेक केयर ऑफ एनीथिंग ठीक है जी नेक्स्ट जो हाई कॉन्शियस वाले होंगे वो इन्जॉय करेंगे हैविंग अ सेट शेड्यूल उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा टाइम टेबल होगा कि इस टाइम मुझे ये काम करना है और इस टाइम मुझे ये काम करना है बट जो लो कॉन्शियस वाले होंगे वो क्या होंगे डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल उनको डिसिप्लिन में रहना आता ही नहीं है उनको शेड्यूल पसंद ही नहीं है क्योंकि उनका कोई अपना शेड्यूल है ही नहीं है। ठीक है जी आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया कि अभी हमने जो भी पढ़ा ओ पढ़ा हमने सी पढ़ा ओपननेस पढ़ी और कॉन्शियसनेस अब ओशन के ई e की तरफ आते हैं ठीक है जो है एक्स्ट्रा वर्जन की बात की गई है मतलब एक्स्ट्रो की बात की गई है एक होते इंट्रो वर्ड्स एक होते एक्स्ट्रो वर्ड्स ठीक है दी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स नाउ तो देखिए जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कैसे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है पहले तो वो एक्साइटेबिलिटी होती है फुल्ली एक्साइटेड रहते हैं ऑल द टाइम सोशबल होते हैं मतलब सबको अच्छे से बुलाते हैं सोसाइटी में कोई भी रहता है ठीक है उनको आदत होती है मतलब टॉकेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है असर्टिवनेस हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन ठीक है जी मतलब हाईनी इमोशन होते हैं और अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर देते हैं दूसरे के सामने बिकॉज वो ओपन होते हैं दूसरे के साथ ठीक है जी सोशबल so होते हैं सबको बुलाते हैं मिलजुल के रहते हैं हंसते हंसाते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट्स इंट्रोबर्ट इनको ऑपोजिट हो जाता है अब जो हाईली एक्स्ट्रोबर्ट होते हैं और लो एक्स्ट्रोबर्ट होते हैं इनमें क्या फर्क है अब यही हमने देखना है जो हाईली एक्स्ट्रोवर्ट होंगे इंजॉयज बी देंटर ऑफ अटेंशन ठीक है जो हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना उनको बहुत होता है कि हाँ मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ सभी मेरी तरफ ध्यान दें जो हाईली एक्सट्रोवर्ट होता है बट जो इंट्रोवर्ट होता है लो वाला सॉरी लो एक्सट्रोवर्ट होता है वो डिसलाइक करेगा बींग द सेंटर ऑफ अटेंशन ठीक है जो लो एक्सट्रोवर्ट वाला होगा वो नहीं चाहता कि हाँ मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ किसी की अटेंशन लेने के लिए मैं कोई काम नहीं करूँगा जो लो वाले होते हैं ठीक है जी फिर जो हाईली एक्सट्रोवर्ट है, होते हैं इंजॉय मीटिंग न्यू पीपल क्योंकि वो सोशबल होते हैं सोसाइटी में रहना उनको आता है अच्छे से तो वो क्या करेंगे न्यू न्यू लोगों के साथ मिलना घुलना उनको बहुत अच्छा लगता है बट जो लो होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को बुलाना कई होते हैं ना बस अपने आप में रहते हैं तो मतलब एक्स्ट्रोवर्ट्स जो लो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं वो क्या करते हैं सिर्फ अपने आप में अपने काम तक मतलब रखते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि बाकी क्या कर रहे हैं ठीक है उनको कोई खुशी नहीं होती किसी न्यू पर्सन से मिलके नेक्स्ट जो हाईली एक्स्ट्रोबर्ट होते हैं लाइक टू स्टार्ट कन्वर्जेशन हाईली एक्सट्रोबर्ट मतलब जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं ना बोलते रहते हैं टॉकेटिव होते हैं सबसे पहले वो ही बातचीत स्टार्ट करते हैं हम कोई अनन नोन पोर्सन से मिलते हैं ठीक है वो सामने से नहीं बोल रहा तो जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे खुद स्टार्ट कर देंगे बातचीत तो उसका हाल चाल पूछना शुरू कर देंगे जो भी है उसका पूछना शुरू कर देते हैं वो हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं बट जो लो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है बातचीत शुरू करना कि मैं शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से क्योंकि वो एक तरह से बहुत शाई फील करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट जो एक्स्ट्रोवर्ट्स हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं फाइंड इट इजी टू मेक फ्रेंड्स सोशबल होते हैं सोसाइटी में सबको बुलाते हैं तो फ्रेंड्स भी इजीली बन जाएंगे उनके बट जो लो होंगे वो सिर्फ छोटी छोटी बातें सिर्फ टू द पॉइंट जैसे हम बोलते हैं ना कई होते हैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं जितना पूछा जाए उतना ही बोलते हैं वो होते हैं लो एक्सट्रोवर्ट्स ठीक है जी देन हाईली एक्सट्रोवर्ट हैज़ वाइड सोशल सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स वही ज़्यादा सोशियबल है वो इंसान हरित से बातचीत करता है तो उसका सर्कल भी बड़ा होगा उसकी फ्रेंडशिप सर्कल भी बड़ा होगा बट जो लो एक्सट्रोवर्ट होगा वो ध्यान से सोचेगा बोलने से पहले ऐसे ही नहीं कुछ भी बोलता रहेगा ठीक है वो सोचेगा एक तरह से अगर देखा जाए ना कि एक्सट्रोवर्ट वाला लो वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है ठीक है जी क्योंकि जो लो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना वो थोड़ा ध्यान से सोच के क्या कहाँ बोलना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं बट जो हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो तो बड़बड़ करते रहते हैं तो वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं ठीक है जी तो ई भी समझ आ गया ओशन का देन कम्स ए सो यस जैसे कि हमने ओ सी ई कर लिया अब हम आएंगे ए पर ओशन के ए पर इसमें क्या है एग्रीएबलनेस ठीक है agreeableness मतलब जो फटाफट किसी से एग्री कर जाते हैं दूसरे पर्सन को अपने आप से पहले रखते हैं वो होते हैं agreeable पर्सन ठीक है जी मतलब मैंने ऊपर भी आपको शॉर्ट में लिखा होता कि आपको भी दिक्कत ना हो ठीक है जी तो एग्रीएबल पर्सन कौन से होते हैं जो दूसरे पर्सन की एबिलिटी को खुद से पहले रखते हैं उसको एग्रीएबल बोलते हैं ठीक है एक होते हैं हाईली एग्रीएबल एक होते हैं लो एग्रीएबल बट उससे पहले देख लेते हैं एग्रीएबल कौन से होते हैं जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं ऑल्ट्रिज़म काइंड होते हैं अफेक्शनेट होते हैं ठीक है ये ये सब चीज़ें होती हैं एग्रेजल पर्सन में तो जो हाईली एग्रेजबल होगा वो क्या होगा हैज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल उसको दूसरे पीपल्स में इंटरेस्ट होगा दूसरे लोगों को सबसे पहले रखेगा ठीक है और जो लो एग्रेजल होगा वो टॉक टेक लिटल इंटरेस्ट इन अदर्स यहाँ पर टेक आएगा सॉरी टेक टेक लिटिल इंटरेस्ट इन अदर्स उसको दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कोई मतलब नहीं होगा ठीक है जी और जो हाईली एग्रेजिबल होगा केयर्स अबाउट अदर्स वो दूसरों की टेंशन लेगा वो हमेशा दूसरों का देखेगा सब ध्यान रखेगा सबसे पहले उनको रखेगा बट जो लो एग्रेजिबल होगा वो ड केयर अबाउट हाउ पीपल फील उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरा पर्सन उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है जो लो एग्रेजिबल होते हैं ठीक है फिर जो हाईली एग्रेसिबल होते हैं वो इम्पति फील करते हैं एंड द कंसर्न फॉर अदर पीपल तो देखिए इम्पति और सिंपती आप दो वर्ड्स में बहुत बार कन्फ्यूज होते हो एक वर्ड होता है सिंपती है ना एज यू ऑल नो सिम्पति होता है जब हम दूसरे का मतलब दुख दर्द बांटते हैं इम्पति होता है जब हम खुद उसकी जगह पर बैठ के सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता वो होती है इम्पथी ठीक है जी और जो हाईली एग्रेसिबल होते हैं वो क्या दूसरों से इम्पथी करते हैं बट जो लो एग्रेसिबल होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता दूसरे पीपल की प्रॉब्लम में कि वो प्रॉब्लम में है तो है रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है जी वो एग्रेसिबल होते हैं नाउ कम्स द लास्ट लास्ट है न्यूरोटिसिज्म ठीक है ओशन का एन अभी हमने क्या क्या पढ़ा ओ सी ई ए और लास्ट में आ जाते हैं एन पे दैट इज न्यूरोटिसिज्म न्यूरोटिसिज्म कौन से होते हैं जो न्यूराटिक पर्सनस होते हैं न्यूराटिक मतलब सैडनेस मूडीनेस मूड होता है उनका इमोशनल स्टेबिलिटी ठीक है जी इमोशनली स्टेबल होते हैं वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अच्छे से वो होते हैं न्यूराटिक पर्सनस तो एक होते हैं हाईली न्यूराटिक एक होते हैं लो न्यूराटिक कैटल के अकॉर्डिंग ठीक है जी तो हाईली यूनोरेटिक कौन से होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं लॉट ऑफ स्ट्रेस जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें ठीक है थीके? और जो लो न्यूरेटिक होते हैं वो क्या करते हैं डील वेल विद स्ट्रेस उनको डील करना आता है स्ट्रेस से कि कैसे डील अप किया जाए ठीक है देन जो हाईली यूनोरेटिक होते हैं वो वरीज अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ये हो सकता है अरे ये हो गया तो कैसा होगा ऐसा होगा वैसा होगा वो क्या हमेशा टेंशन में ही रहते हैं ठीक है बट जो लो न्यूरेटिक होते हैं वो इतना वरी नहीं करते डोंट वरी टू मच ठीक है उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होती है देन जो हाईली न्यूरेटिक होंगे गेट्स अपसेट इजीली फटाफट अपसेट हो जाते हैं सैड हो जाते हैं ठीक है जी बट जो लो न्यूरेटिक होंगे वो क्या है इमोशनली स्टेबल होते हैं उनको पता है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए ठीक है जी देन फील एंशियस दूसरा फील रेयरली फील सैड और डिप्रेड ठीक है जी जो हाईली न्यूरेटिक होंगे वो एंशियस फील करते हैं ठीक है मतलब सैड और डिप्रेस्ड फील करते हैं पर जो लो न्यूरेटिक होंगे वो बहुत कम रेयरली मतलब बहुत कम सैड या डिप्रेस्ड फील करते हैं तो ये है वो फाइव पर्सनैलिटीज जो कैटल ने दी थी और इसके साथ हमारी कैटल की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है जी ये सारी थ्योरी अच्छे से कर लेना पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जब ऑप्शन में भी आती है ना तो कैटल थ्योरी तो पक्का आएगी आपको पेपर में और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज वेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ठीक है जी ऐसे ही अभी डेली आपको एमएड की वीडियोस मिलती रहेंगी क्योंकि एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं ठीक है जी तो डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन